हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई जहां पर 11 बजे तक की बात करें तो हरियाणा में आंकड़ा चौदह दशमलव सात नौ फीसदी पहुंच चुका है यानी कि इतनी फीसदी यहां पर वोटिंग हो चुकी है वही महाराष्ट्र की बात करें तो सात दशमलव एक दो फीसदी मतदान यहां पर दर्ज किया गया है तो महाराष्ट्र तो अब भी कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ महाराष्ट्र के लोगों में उत्साह कहीं ना कहीं भी शायद कम यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि दिग्गज यहां पर पहुंच रहे हैं वो अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन आम लोगों में कह सकते हैं कि शायद अभी भी वो जागरूकता नहीं आई है अपने मत के इस्तेमाल को लेकर जो शायद प्रशासन की तरफ से यहां पर प्रयास किए गए थे तो लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जहां दस बजे आठ दशमलव आठ दो फीसदी वोटिंग दर्ज की गई थी तो वहीं ग्यारह बजे तक चौदह दशमलव सात नौ फीसदी वोटिंग दर्ज की गई है वहीं महाराष्ट्र की बात करें दस बजे वहां पांच दशमलव सात छह फीसदी वोटिंग दर्ज की गई थी लेकिन अब ग्यारह बजे तक की बात करें तो यहां पर सात दशमलव एक दो फीसदी मतदान दर्ज किया गया है लेकिन जिस तरह से हम अपने सहयोगियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं उनका कहना है कि रफ्तार शायद थोड़ी धीमी यहां पर रह गई है लेकिन अभी रफ्तार और बढ़ेगी और तेजी से बढ़ेगी बस इंतजार कुछ और वक्त का क्योंकि जैसे जैसे वक्त पड़ेगा वैसे वैसे एक एक करके मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकलेंगे और फिर अपने नेता को अपने पसंदीदा नेताओं का चुनाव यहां पर किया जाएगा तमाम मुद्दे इस दौरान यहां पर ध्यान में रखे जा रहे हैं हरियाणा की बात करें या फिर महाराष्ट्र की महाराष्ट्र के अलग मुद्दे हैं और हरियाणा के अलग मुद्दे हैं लेकिन इन सबको मिलाकर देखें तो इस बार के चुनाव में चाहे वो महाराष्ट्र का हो या फिर हरियाणा का राष्ट्रवाद का मुद्दा काफी अहम यहां पर साबित हुआ है और इसी को लेकर हमने देखा कि विपक्ष किस तरह से लगातार बीजेपी पर हमला करता रहा है सरकार पर हमला करता रहा है कि आखिरकार क्यों राज्य के मुद्दे कहीं खो गए हैं और राष्ट्रवाद का मुद्दा यहां पर छा गया है और उसको लेकर बीजेपी ने हालांकि डंके की चोट पर कहा हां हम राष्ट्रवाद का मुद्दा ला रहे हैं क्योंकि ये हमारे लिए बेहद अहम है आखिर क्यों धारा 370 को लेकर विरोध यहां पर विपक्ष के जरिए किया जा रहा है क्योंकि इसको तो हमने अपने एजेंडे में शामिल किया था और उसको लेकर प्रयास जब कांग्रेस की तरफ से भी किए गए थे और पार्टियों की तरफ से भी किए गए थे तो आखिरकार वो प्रयास सफल क्यों नहीं हो पाए लेकिन जब हमने धारा तीन को हटा दिया है तो आखिरकार उसको लेकर इस तरह की बातें क्यों की जा रही है, क्यों जा रहा है वहीं हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रैलियों को संबोधित किया था तो उस दौरान कहा था कि धारा 370 को हटाने को लेकर जिसने भी सवाल किए हैं वो बेवकूफ है और उन्हें डूबकर मर जाना चाहिए इस तरह का यहां पर बयान उनका सामने आया था क्योंकि कहीं ना कहीं देश को लेकर जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं राष्ट्रवाद को लेकर जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं उसके चलते विपक्ष लगातार बैकफुट पर चला गया है और फ्रंट फुट पर आकर बीजेपी यहां पर खेल रही है और दिलचस्प बात यह है कि अगर महाराष्ट्र की बात करें हरियाणा की बात करें तो दोनों ही राज्यों में बीजेपी की ही सरकार है और ऐसे में यह चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद बेहद ही अहम हो जाता है क्योंकि हरियाणा की बात करें दस की दस लोकसभा सीटों पर जीत यहां पर दर्ज की थी और पिछले अगर 2014 के विधानसभा चुनावों की बात करें वोट शेयर की बात करें तो काफी कुछ इजाफा इस बार के लोकसभा चुनावों में देखा गया है और उसी के बाद ये हुंकार इसलिए बीजेपी तरफ से भरी जा रही है पिछहत्तर प्लस की क्योंकि इजाफा हुआ है वोट शेयर में और उसका फायदा कहीं ना कहीं इस बार के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मिलने वाला है